वेलकम बैक दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में लघुतम समापवर्त्य से संबंधित क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके बताने वाला हूं। कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन मैंने लिया है जिसमें कई प्रश्नों का समावेश है, तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं और देखते हैं कि प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। वीडियो ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन, अभी मैंने एक बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन लिया है जो वाकई में घुमावदार है, लेकिन बस स्टेप को समझना है। स्टेप को समझने के बाद इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों प्रश्न की ओर चलते हैं। हमको ज्ञात करना है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 12, 16 और 20 से भाग देने पर क्रमशः 9, 13 और 17 शेष बचे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये दो तीन प्रश्नों का समावेश है जिसको मिलाकर एक प्रश्न बनाया गया है। तो सबसे पहले प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है, इसको समझने की आवश्यकता है। हमको ज्ञात करना है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 12, 16 और 20 से भाग देने पर। तो याद करो दोस्तों, हम 12, 16 और 20 से भाग देने पर क्रमशः बोल रहे हैं। 12, 16 और 20 से भाग मतलब कोई भी संख्या से जो दिए गए रहते हैं उससे भाग हम कब करते हैं, कब करते हैं? HCF निकालते समय करते हैं या LCM निकालते समय करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपने ध्यान दिया होगा मेरे पिछले वीडियोस पर तो आपको पता चलेगा कि 12, 16 और 20 से भाग देने की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि इसका LCM ज्ञात करेंगे सबसे शुरू। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप में इसका LCM ज्ञात कर लेते हैं 12, 16 और 20 का। तो LCM ज्ञात करके हम इसका LCM लेके आते हैं 240, ठीक है, 240 इसका LCM ज्ञात हो गया। ठीक, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि LCM क्यों ज्ञात किए। अगर नहीं आया तो मैं फिर से बताता हूँ। देखिए 12, 16 और 20 से भाग देने पर की बात हो रही है, इसलिए इसका हम LCM ज्ञात किए। LCM हमारा आया 240। दूसरे स्टेप में हम इसको घटाते हैं, जो शेषफल की बात आ रही है 12 में से 9 घटा देते हैं, 16 से 13 घटा देते हैं और 20 से 17 घटा देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या वो इक्वल है। तो देखिए 12 में से 9 घटा दिए, 3 बचा, 16 में से 13 घटा दिए, 3 बचा, 20 से 17 घटा दिए, 3 बचा। दोस्तों ये क्यों किए, ये थर्ड स्टेप के बाद बताऊँगा ऐसा क्यों किए, ठीक है। जब आप स्टेप पूरी तरह से समझ जाएंगे तो आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों किया गया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 240 आया, अगर हम यहीं तक देखें सिर्फ इसी को, तो 12, 16 और 20 से भाग देने पर LCM जो ज्ञात किया 240, मतलब ऐसी कोई संख्या है, ऐसी हमको 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या तो बात की बात है, लेकिन अगर 240 एक ऐसी संख्या है जो इन संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित होता है, ठीक, वंस अगेन, 240 एक ऐसी संख्या है जो 12, 16 और 20 से पूर्ण रूप से विभाजित होता है, क्योंकि यह इन लोग का LCM है, क्योंकि इन संख्याओं का ये LCM है, इसलिए इसे पूर्ण रूप से विभाजित करते हैं ये संख्याएं, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करते हैं, सपोज दैट, मान लेते हैं कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो भी हो, जो सबसे बड़ी संख्या है वो तो 999,999 है। अगर ये संख्या 240 से विभाजित पूरी तरह से हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि 12, 16 और 20 से भी ये संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, लेकिन क्या होती है या नहीं होती है ये तो बात की बात है। तो समझने की आवश्यकता यह है कि 12, 16 और 20 240 को पूर्ण रूप से विभाजित करते हैं, मतलब यह है कि जो अगर 240 भाजक है और जो भी संख्या भाज्य है, मतलब 240 कोई ऐसी संख्या को विभाजित करती है, पूर्ण रूप से विभाजित करती है, तब हम यह कह सकते हैं कि वो संख्याएं 12, 16 और 20 से भी विभाजित होती है, क्योंकि वो 240 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है ना, इसका LCM से पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है, इसलिए वो संख्याएं 12, 16 और 20 से विभाजित होती हैं। तो चलिए हम यहाँ 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का बाउंड लगाया गया है, इसलिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम ढूंढते हैं। हम पाते हैं कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999,999 है। तो ठीक है, इसको हम 240 से विभाजित करके देखते हैं। अगर ये विभाजित हो जाती, सपोज दैट, वास्तव में होती नहीं है, अगर ये हो जाती तो ये जो संख्या है
ये 12, 16 और पूर्ण रूप 12, 16 और 20 से पूर्ण रूप से ये भी विभाजित हो जाती, लेकिन करके देखते हैं क्या वास्तव में 240 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। तो हमने भाग देने पर इसको पाया कि ये संख्या पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है, इसमें 159 शेषफल बच जाता है। ठीक है, 159 शेषफल बच जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि अगर 9,99,999 से 159 माइनस कर दें, कम कर दें, ठीक है, इसको घटा दें, 9,99,999 से 159 घटा दें, तो जो संख्या प्राप्त होती है 9,99,840 वो 240 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। मतलब ये संख्या 12, 16 और 20 से भी पूर्ण रूप से विभाजित होती है। ये क्वेश्चन नंबर एक है। शेषफल तो दूसरी केस की बात है। अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है कि कोई भी संख्या छः अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 12, 16 और 20 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है, तो ध्यान दीजिए यही उत्तर होगा उसका, 9,99,840। ये संख्या ऐसी है जो 12, 16 और 20 से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित होती है और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। लेकिन यहाँ बाउंड ये भी है कि इन संख्याओं से भाग देने पर क्रमशः 9, 13 और 17 शेषफल बचे। ठीक है, देख लीजिए कि इन संख्याओं से अगर इसको भाग दिया जाता है तो क्या आना चाहिए, 9, 13 और 17 शेषफल आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ इसको हम घटा के देखते हैं कि क्या वाकई में ये इनको घटाने पर इक्वल संख्या आती है। इसलिए 12 से 9 घटाए, 16 से 13 घटाए और 20 से 17 घटाए, तो यहाँ संख्या कितनी प्राप्त हुई, 3 प्राप्त हुई। इसलिए इस संख्या जो 12, 16 और 20 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है ना, पूर्ण रूप से विभाजित होती है, इस केस में इसमें कोई शेषफल नहीं बचता है। लेकिन यहाँ 9, 13 और 17 क्रमशः शेषफल बचने की बात हो रही है। अगर इसको 12 से भाग देते हैं तो 9 शेषफल बचना चाहिए, 16 से भाग देते हैं तो 13 शेषफल बचना चाहिए, 20 से भाग देते हैं तो 17 शेषफल बचना चाहिए। लेकिन 9,99,840 एक ऐसी संख्या है जो 12, 16 और 20 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है, इसलिए इसका जो अंतर है, जो तीनों जगह समान है, इससे घटा देते हैं। इसलिए यहाँ हम 9,99,840 से 3 घटा देते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है वो इसका उत्तर है। और जब इस संख्या को हम 12, 16 और 20 से क्रमशः भाग देते हैं तो क्रमशः शेषफल 9, 13 और 17 प्राप्त होती है। इसका आप आंसर खुद चेक कर सकते हैं। इसको आप एक बार 12 से भाग दीजिए, एक बार 16 से भाग दीजिए और एक बार 20 से भाग दीजिए, आप पाएंगे कि शेषफल एक बार में 9 आएगा, फिर जब 16 से भाग देंगे तो 13 आएगा और 20 से भाग देंगे तो 17 आएगा। तो दोस्तों ये एक 3 स्टेप की क्रिया है, इसको आपको याद करना है। यहाँ LCM ज्ञात, क्योंकि इसको भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ इसको मैंने शुरू में बता दिया कि इसका LCM ज्ञात क्योंकि है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में इसको घटा के देखेंगे कि क्या समान डिजिट आती है। उसके बाद 6 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है उसको इस LCM जो ज्ञात किए हैं उससे भाग देंगे। उसके बाद अगर शेषफल आता है तो इसको घटा देंगे, और घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी फिर उसमें से जो संख्या यहाँ आएगी उसको फिर घटा देंगे, तो जो संख्या प्राप्त होगा वही इसका आंसर होगा। ध्यान दीजिए कि 2-3 प्रश्नों का समावेश है, इससे कई प्रश्न और भी बन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैंने जो अभी बताया वो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, आपके डाउट ज़रूर पूछें और सवाल और ज़रूर पूछें। आपको जो क्वेश्चन नहीं बन रहे उसको भी आप मेरे को पूछें ताकि मैं उसको यूट्यूब के माध्यम से आपको सॉल्व करके दे सकूँ। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लुकिंग दिस वीडियो। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल के घंटे को ज़रूर दबाएं ताकि मैं जब अगला वीडियो डालूं तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं इस तरह के वीडियोज़ और अपलोड करने वाला हूं और बहुत डीपली आपको बताने वाला हूं कि प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, आपके डाउट क्लियर करने वाला हूं। और अगर आपको कोई डाउट है तो उसको कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसका सॉल्यूशन निकाल सकूं और रिप्लाई दे सकूं। तो थैंक्स दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।